अस्सलाम वालेकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए, खैरियत हो गए। माहिर रमजान का आखिरी अशा शुरू हो चुका है, आज ही अपना 21वां रोज़ा है। बाकड़े अब तक लगे नहीं है, क्या बताऊँ, बाकड़े बाकड़े पिछले कुछ वक्त में बाकड़े बाकड़े ही कर रहे हैं, लेकिन बाकड़े लग चुके हैं, बाकड़े आ गए। कई कई जगह पे लगे नहीं अब तक, बाकी कुछ कुछ जगह पे लग गए। तो जैसे कि आपने इस व्लॉग के टाइटल थंबनेल में देख लिया है कि आई बॉट अ न्यू कैमरा। नो, बात तो सही है, कैमरा तो है, लेकिन वो कैमरा नहीं जो आप सोच रहे हो। तो वो कैमरा कौन सा है, क्या है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके पीछे जो बैक स्टोरी है वो भी आपको बताना जरूरी है। और की नंबर पढ़ के थोड़ी देर बाद मैं निकला बाहर कपड़े की शॉपिंग वगैरह करने के लिए, आई मीन कपड़े वगैरह देखने के लिए अपने लिए। तो वो देखते देखते मैं पहुंचा चोर बाजार के पास। तो तब तक अपने असर का वक्त हो गया था, कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं बता दूँ। तो असर का वक्त हो गया था, मैं असर की नमाज़ पढ़ा, मैं उसके बाद मैं निकला। दैन फिर मैं सोचा कि चोर बाजार में जाता हूँ मैं। दैन फिर मैं टाइम देखा, टाइम बहुत कम बचा था। अगर मैं चोर बाजार के अंदर और जाता तो फिर मैं इफ्तारी के लिए लेट हो जाता, जो कि मैं नहीं चाहता था। तो मैं थोड़ा बहुत गया चोर बाजार के अंदर और मैं ध्यान पड़ा एक बाकड़े में। बाकड़े में जैसे मैंने ये चीज़ देखा ना भाई, जो अपना कैमरा है, सो वो देख के मैंने बोला कि आ मैंने जोतू है। फिर भाई मैं वो बाकड़े में रुका एंड जो मैंने बार्गेनिंग करना स्टार्ट किया, फाइनली मैंने वो कैमरा परचेज कर लिया। जो काम के लिए मैं निकला था वो कम तो हुआ नहीं, कपड़ा वगैरह लेने के लिए, लेकिन आई गॉट द बेस्ट डील टू बी ऑनेस्ट। ये है बैक स्टोरी, लेने गया था कपड़े, लेके आया मैं कैमरा, फिर मैं कपड़े के पैसे घुस गया कैमरा में। इसके अंदर फिर मेरे पास एक जोड़ी पठानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एनीवेज जो भी है, जैसा भी है, मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी आज से 4-5 साल पहले ही शुरू हो गई थी। शुरुआत मैंने किया था आईफोन 4S से, उसके बाद देन फिर मेरे पास आया हुआवे का फोन, हुआवे वाईफाई 2017। ना वो जो फोन था हुआवे का, वो फोन मेरा नहीं था, लेकिन उस फोन में मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए। उसके बाद जाके फिर मैंने एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन परचेज किया, जो कि था रियल का भाई, जहाँ ट्रक वाले का, जो कि था Realme 7 Pro सन टिस्ट लेदर एडिशन वाला। लॉन्च के कुछ ही टाइम बाद मैंने वो फोन परचेज कर लिया था, लेकिन वो फोन मेरा अनफॉर्चुनेटली खराब हो गया था, जिसके बाद मैंने ये वाला फोन लिया जिससे अभी ये ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, जिससे मेरे पिछले काफी सारे ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस फोन का नाम है Vivo V20। ये भी एक फ्लैगशिप फोन है, जो कि आज से 2-3 साल पहले रिलीज हुआ था। मैं चाहता तो अभी के टाइम पे मुझे 5G फोन मिल जाते थे इससे भी कम प्राइस में, लेकिन आई बॉट दिस क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है वो मेरी रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल कर रहे थे, जैसे कि इसके अंदर जो आई ऑटो फोकस है, जिससे कि मैं जितना भी पास आता हूँ ये फेस जो फोकस कर रहा है पीछे जो ब्लर कर देगा। तो ये जो फीचर है आई ऑटो फोकस का, ये सिर्फ और सिर्फ अपने को कैमरे में देखने मिलता है, और ये फीचर इस फोन में भी अवेलेबल है, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। तो ये फोन मुझे काफी ढूंढने के बाद मार्केट में से सिर्फ एक दुकान में मिला ये, तो क्योंकि मैं पैसे थोड़े बहुत कम लेके गया था। उसके अगले दिन था संडे, तो संडे के दिन लिटरली मैंने दिल पे पत्थर रख के और दिन गुजारा। उसके बाद से जैसे ही मंडे हुआ, पहली फुर्सत में गया, पैसे निकाला मैंने और ये फोन जाके मैंने परचेज किया। इसका नाम है Vivo V20 ब्लैक कलर। सारे के सारे वीडियोस मैंने एक स्मार्टफोन से रिकॉर्ड किया था, स्मार्टफोन भी वैसा एंड्रॉइड आईफोन नहीं है ना। मोस्टली पीपल को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास आईफोन है तो ही आप ब्लॉग बना सकते हो, तो भाई ऐसा नहीं है। आईफोन है मेरे पास, लेकिन उससे मैं ब्लॉग नहीं बनाता। एंड जो मेरे पास आईफोन 4S था, शुरुआत में उससे मैं सिनेमेटिक वीडियोस बनाता था। आईफोन 4S से भी ना मैंने अगर ब्लॉग बनाया ना ही अपलोड किया। सारे के सारे जो ब्लॉग्स देखे हो सबके सब मैंने अपने एंड्रॉइड फोन में बनाया, फिर चाहे वो रियलमी हो, फिर चाहे वो वीवो हो। तो ये कुछ कहानियां जो आपके सुनाने बहुत ज़्यादा जरूरी था। उसके बाद जाके फाइनली आज मैंने एक कैमरा परचेज किया। आप कह सकते हो कि मेरी लाइफ का ये पहला कैमरा है। ये कैमरे का पर्पस क्या है, इसके बहुत से मैं यूज कर सकता हूँ, वो सब आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस फुटेज के बाद जितने भी सारे फुटेज देखने वाले हो, सारे के सारे मैंने अपने न्यू कैमरे से रिकॉर्ड किया हूँ। सो गाइस, ये है वो कैमरा जिसका नाम है केसर CS6। ये मेरा पहला कैमरा, कैमरा नहीं एक्शन कैमरा है, नहीं तो ये है मेरा पूरा ओवरऑल व्लॉगिंग सेटअप। ये मेरा Vivo V20 एंड ये इसके पर जो मेरा माइक्रोफोन बनाया था, इसके अलावा ये मैं ट्राइपॉड में बदलते रहता हूँ। ये जो छोटा सा एक्शन कैमरा है वो रिकॉर्ड कर सकता है अप टू 4K 30 FPS तक। तो अभी तो ये रिकॉर्ड कर रहा है फिलहाल 1080p 60 FPS में, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बारिश की हल्की हल्की बूंदे गिर रही है, आई मीन ड्रिजलिंग हो रही है ना। उसके पहले ना ही तो मैंने कोई कैमरा यूज किया और ना किसी कैमरे से वीडियो बनाया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड वो भी कौन सा एक्शन कैमरा है। अभी वैसे सुबह के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं एंड अभी आप देखोगे क्या मस्त व्यू दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं अभी कैमरे में क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सीन हो गया ना, सीन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस एक्शन कैमरे में मुझे 3 मोड देखने मिलते हैं, एक तो है वाइड जो कि अभी चालू है, उसके बाद एक मीडियम है, उसके बाद एक नैरो है। ना वाइड बोलते हैं 170 डिग्री वाइड है ये एंगल, के बाद आता है नैरो, उसके बाद आता है मीडियम। तो अभी मैं जो स्विच कर लेता 4K 30 FPS में, तो जब इट इज 4K 30 FPS एक छोटे से एक्शन कैमरे में, तो इसकी आप क्वालिटी देख सकते हो, इसे अभी भी एकदम वाइड एंगल में एच रही है। इसके अलावा फिर 1080p 60 FPS 30 FPS 720p, बहुत से ऑप्शन है इसके अंदर, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, जो बोला आपके इस कैमरे में मिल जाएगा। सो ये वाइड एंगल से मैंने कर दिया मीडियम फ्रेम पे, इसके बाद आता है नैरो। तो ये है भाई मीडियम फ्रेम, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। एंड वैसे मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगता है जो कि अभी कनेक्टेड नहीं है, वो मुझे परचेज करना पड़ेगा सेपरेटली। तो ये जो भी एकदम रॉ है कैमरे का, एंड ये मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग भी कर दिया हूँ। इसके बाद ये फुटेज कुछ ऐसे दिखाई देती है, और फटाफट से भी इसका जो नैरो मोड भी चेकआउट कर लेते हैं। तो ये रहा इसका नैरो एंगल, इसके अंदर 3 एंगल है, नैरो है, मीडियम है एंड वाइड एंगल है।
तो दिस इज वॉट द नैरो एंगल लुक्स लाइक एक्शन कैमरा की सारी की सारी एक्शन कैमरा, फिर चाहे गोप्रो पकड़ लो, फिर चाहे कोई भी आप एक्शन कैमरा देख लो, उसकी जो नाइट क्वालिटी होती है, आई मीन जैसे हम अंधेरे में जाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। ये बात मुझे पता है, तो अभी मैं वापस से जो वाइड एंगल लेंस स्विच कर लेता हूँ। तो छोटा सा एक्शन कैमरा परचेज करने का नहीं तो मेरा कोई प्लान था, लेकिन जैसे आपको उन्होंने स्टोरी बताया, तो सिंस ये कैमरा मैंने परचेज कर लिया, तो अभी ये जो मेरा कैमरा वो मेरा सेकेंडरी कैमरा रहेगा, बाकी जो मेरा मेन व्लॉगिंग डिवाइस है वो तो यही रहने वाला है। अभी जो एक्शन कैमरा ये मेरा सेकेंडरी कैमरा है, जिससे कि मैं टाइम स्पीक आउट करूँगा, और बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मैं अपना फोन नहीं निकाल पाता, तो वहाँ पे ये कैमरा काम आ जाएगा। और बाकी इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि फ्यूचर में अगर मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा जो कि मैं करूँगा, उसके लिए भी मैं इस कैमरे को यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करना है, उसके लिए भी मैं ये वाला कैमरा यूज़ कर सकता हूँ। फिर चाहे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँ या फिर मोटो व्लॉगिंग करूँ, इससे व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ। तो भाई ये मेरा एक एकदम अनएक्सपेक्टेड परचेज था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। मेरे सेकंड आप देख लो, ये है मेरा व्लॉगिंग सेटअप, एंड इसके बाद भी जितनी भी सारी फुटेजेस होगी वो इसी कैमरे से मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि इसकी लो लाइट क्वालिटी कैसी है। ये देखो एकदम अंधेरा सा हो गया होगा, तो दिस इज व्हाट द लो लाइट क्वालिटी लुक्स लाइक। मुझे पता नहीं मैं अभी आपको दिख रहा भी हूँ कि नहीं, तो अभी अभी से इसका प्रॉब्लम फेस होना स्टार्ट हुआ है। मुझे कैमरा ऑन है, इसका जो प्रीव्यू है वो दिखाई नहीं दे रहा है, एंड अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके बटन भी यहाँ पे प्रेस करता तब भी इसका जो फ्रंट स्क्रीन है वो ऑन नहीं होता है। अभी जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा भी, तो प्रॉब्ली इसका एक तो ये बैटरी का मुझे प्रॉब्लम लगता है, और या तो फिर इसका जो एसडी कार्ड मैं एक ऑर्डर किया हूँ जो कि मुझे कल रिसीव होगा 2 तारीख को, एंड वो जो एसडी कार्ड है वो फास्ट स्पीड का है, तो देखते हैं उसके बाद ये प्रॉब्लम फिक्स होती है या फिर नहीं। तो ये दोनों में से कुछ एक तो होगा डेफिनेटली। बाकी ये देखो मैं प्रेस करता हूँ रिकॉर्डिंग, तो ये प्रेस होता है रिकॉर्डिंग भी ऑन होता है, ये देखो। लेकिन जो प्रीव्यू है मुझे दिखाई नहीं देता था, जो कि आपको मैंने रिकॉर्डिंग करते वक्त बताया भी था कि एक दिक्कत मैं फेस कर रहा, तो वो ये है। इसका जो प्रीव्यू मुझे दिखाई दे या फिर नहीं, लेकिन मैं इसको एकदम मस्त यूज करने वाला हूँ, तो ऐसा जिंदगी का प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। आप में से काफी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे चुना लग गया, चूर पर जाकर मुझे खराब कैमरा मिला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये कैमरा वहाँ पे मैंने चेक किया था, दोनों भी डिस्प्ले परफेक्टली काम कर रही थी। मैंने उस बागड़े पर इंटरनेट 5 से 10 मिनट कैमरे को चेक किया हूँ, ये कैमरा एकदम परफेक्टली एकदम फाइन था। उसके बाद ये प्रॉब्लम मैंने कब फेस किया, जब मैं एक एसडी कार्ड परचेज करने के लिए, एसडी कार्ड मैंने परचेज किया 8 GB का, एंड वो एसडी कार्ड मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है 200 रुपए का पड़ा। फिर जैसे ही मैं एसडी कार्ड तो मैं कैमरे में इंसर्ट किया, उसके बाद जैन फिर मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई। वैसे इस कैमरे में जो दो डिस्प्ले, एक ये मेन डिस्प्ले हो गया, उसके अलावा एक यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले है, जिससे कि अगर मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मैं अपने आप को आगे देख सकता हूँ। यहाँ पे जो स्क्रीन है उसके अंदर मैं अपने आपको देख सकता हूँ। तो एस डी कार्ड लगाने के बाद भाई वो प्रीव्यू दोनों भी बंद हो गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और अभी आपको दिखाता हूँ ऑन करके। अभी इसका डिस्प्ले ऑन है, अभी थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया ना बटन प्रेस किया ना कुछ, वैसे कैमरा अभी भी ऑन है। बाकी इसके अंदर वीडियो वगैरह सब एकदम परफेक्टली रिकॉर्ड होती है, जो कि आपने इसके पहले देखा भी। जैसे आपको मैंने कहा शायद से इसका एसडी कार्ड स्लो है करके इसका ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, या फिर इसका जो बैटरी खराब है, ये प्रॉब्लम इसमें है या नहीं, इसका सोल्यूशन निकलने में गया CST। तो इसका एक क्विक सोल्यूशन है कि मैं जाऊँ सीधा BNM बोरा बाजार, अमीर रशीद भाई की शॉप पे। तो सुबह के इस वक्त जो है वो 11:15 बज रहे, और ये इस एक्शन कैमरे की आउटडोर क्वालिटी है वाइड लेंस में। और ये आप देखते हो यहाँ पे बाकड़े भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं, 11 बाकड़े कम्प्लीट हो चुके हैं, और बाकी इस तरफ भी जो बाकड़े लग चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखो कपड़े वगैरह सब सेटअप हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी लग गया, क्या बात है, सही है भाई, एटलीस्ट यहाँ पे तो लग गया। तो वही है भाई, धूप से बचते बचाते जाने का अपने को CST, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है, जा रहे बाइक वॉक में, और आई नहीं ये वो रास्ता जहाँ पे शाम में एंड रात में चलने की भी जगह नहीं रहती है। बस का टायर फट गया ठंडी पूरे की, बस ओवरलोड हो गई थी बहुत पब्लिक ब्रिज अंदर, और ये देखो भाई तो टायर जो पूरा हालत ही खराब हो गया, टायर की पूरा नक्शा ही बदल गया, बहुत ही गंदा फटा होगा भाई। हाँ भाई, तो भाई ये तो रास्ते में मजा भी लगे कैसे थोड़े दिन बस भाई, बंद हो गई अभी, कुछ बुलाने वाले सर बोल रहे थे। हाँ हाँ भाई, 5 साल भी पहले ना, हाँ टाइम अभी भाई सबका खत्म हो गया, एक बार लास्ट अपून लोग हैं। तो भाई ये देखो सुबह सुबह मनीष मार्केट का नजारा, बहुत कम ऐसा दिखने खाली है, बासमती भाई बास, ये जगह बासमती की मच्छी मार्केट है, आगे और बासमती देखो हमारे मच्छी मार्केट है, ये मनीष मार्केट भाई। कैमरा पकड़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है गिर जाएगा अभी, लेकिन एक बात है ये किसके नोटिस में नहीं आता, देखिए कितना बाइक भी है नहीं भी है। मच्छी मार्केट बात इसे दिमाग में चढ़ गई, तो भाई ये CST जो पहुँच गए, अभी ये पता नहीं कि रशीद भाई की दुकान खुली होगी या नहीं, बंद हुई तो क्या होगा भाई, कैलोरी ये लेके चलते हैं, चलो वो गो ऑनलाइन पैसे नहीं है, चलो चलते प्लान कैंसिल।
देखा भाई, ये आ गया रेलवे स्टेशन सीएसटी का। वह नीचे जब भाप लगता है ना गर्मी का, बाप रे बाप। मैं समर्स में तो बिल्कुल भी नहीं, भट्टी बन जाएगी भट्टी अंदर, जिंदा लाश बाहर निकलोगे। खतरनाक गर्मी लगी भाई, गाड़ी का जो पक्का था बाप रे बाप, भूंगे भाई सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भूंगे। ये पहुंच गए भाई DNM की गली भाई। यहाँ पे जब बाहर डिस्प्ले पे कैमरे लगे ना भाई, एक अलग ही खुशी मिलती है देख के। ये देखो भाई DNM पहुंच गए भाई अशित भाई की शॉप के पास, यानी वीडियो पे। भाई ये वापस से रोलेट में आ गया है, क्वालिटी तो आपको साथ में पता चल जाएगी। रशीद भाई की शॉप पे जाके मैंने अपने एक्शन कैमरे के अंदर न्यू बैटरी डाल के भी देखा, उसके बाद मुझे इसका डिस्प्ले का प्रीव्यू नहीं दिखाई दिया, वो काम नहीं करा। उसके बाद देन फिर मैं फास्ट मेमोरी कार्ड भी डलवा के देखा, उसके बावजूद भी इसकी डिस्प्ले नहीं चल रही थी। तो भाई इसका सोल्यूशन ये है कि भाई इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, बैटरी भी सही है, मेमोरी कार्ड भी सही है। क्योंकि जहाँ तक मैंने चेक किया था 12 में दोनों भी चीज़ थी, रिव्यू भी चल रहा था, पीछे का भी डिस्प्ले चल रहा था। जब से मैंने मेमोरी कार्ड लगाया न्यू वाला जो मैंने लिया था सस्ता वाला, उसके बाद से भी मुझे दिक्कत आना स्टार्ट हो गई। ऑलराइट सो टाइम को तरावी इस कैमरे की कोई भी एक्शन कैमरा पकड़ लो, उसकी रात की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होती है। तो रात में इसकी क्वालिटी ऐसे मुझे बताया कि कुछ खास नहीं है, अब देख सकते जो भी है। टाइम अभी ऐसे 7:45 बज रहा है। तो ये है मेरा फर्स्ट एक्शन कैमरा Kaysan CS6। तो अभी जब रूम के अंदर इसके बैठ के अलावा कोई भी लाइट चालू नहीं है, तो अभी इसकी क्वालिटी कहती है। इनफैक्ट इसके अंदर एक काइंड ऑफ जो है नाइट मोड करके भी है, आई मीन लो लाइट एक मोड है वो भी इसके अंदर है। तो ये मैं ऑन कर दिया हूँ, तो देखिए क्वालिटी लुक्स है। एंड इसके पहले आपने बाहर की शॉट देखा, इसके अंदर बहुत कम लाइट थी। ये था पूरा ओवरऑल ब्लॉग मेरे न्यू एक्शन कैमरा जो है Kaysan का CS6। ये जो एक्शन कैमरा है अगर मैं इसको न्यू परचेज करता तो ये मुझे लगभग 10,000 रुपए का पड़ता। इसका एक वाटरप्रूफ केस भी आता है, उसके अलावा इसके साथ बहुत सी और भी एक्सेसरीज मिलती है, जो कि ऑब्वियसली वो सारी की सारी चीज मुझे चोर बाजार में इसके साथ में नहीं मिली। बट एनीवेज वेल, मुझे इस एक्शन कैमरे की क्वालिटी बहुत ज्यादा मस्त लगी। इनफैक्ट इस कैमरा में वाईफाई का भी ऑप्शन है, तो इसको मैं अपने मोबाइल के साथ में कनेक्ट करके इसका जो प्रीव्यू है वो मैं अपने स्मार्टफोन पे जो है देख सकता हूँ। अभी इसके डिस्प्ले चले या फिर नहीं चले, आई कैन यूज इट। तो ये है कैमरे का एप्लीकेशन जिसका नाम है iSmart DV2। ये है भाई मेरा फर्स्ट एवर कैमरा, एक्शन कैमरा। आप भी रेडी रहना क्योंकि फ्यूचर में इससे मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा इंशाल्लाह, और तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में इससे मोटो ब्लॉगिंग भी करूंगा। आपको मैं एक काम देता हूँ, आपको गैस करना है कि एक्शन कैमरा मुझे कितने में पड़ा होगा। जिसका भी आंसर एकदम एक्यूरेट होगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। विद दैट सेड इस व्लॉग को मैं कहता हूँ ये भी सब। इसके साथ साथ अप्रैल का महीना भी शुरू हो चुका है, आज 1st of April है। सो डू सब्सक्राइब इफ यू वांटेड एंड बाकी फॉर मोर अपडेट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय डे एंड मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट। सो आई वांट टू से अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड गिव मी एवरीथिंग।